1240 में दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का निधन हुआ था। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी पर बैठते ही रजिया ने पर्दा उतार फेंका और पुरुषों जैसे वस्त्र धारण कर लिए। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना और आवाम का ध्यान रखती थीं। इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज ने रजिया से सत्ता हथिया ली। उसने 7 महीनों तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन रजिया ने जनता के सहयोग से अपने भाई को हराकर फिर से सत्ता अपने हाथ में ले ली। पंजाब, बंगाल, बिहार सहित देश के अधिकांश हिस्से रजिया के अधिकार में आ गए थे। अपने शासनकाल में रजिया ने सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी समन्वय करवाया। इसके साथ ही कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को भी काफी प्रोत्साहित किया। 1884 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का जन्म हुआ था। लाला हरदयाल ने न केवल भारतीयों के भीतर देश प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित किया, बल्कि विदेशों में भी भारतीयता के परिचायक बनकर पूरे विश्व को सदैव एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश दिया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर लाला हरदयाल ने देश में सशस्त्र क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्हें अंग्रेज सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा प्राप्त करना स्वीकार नहीं था, इसलिए भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल मिशनरी नाम की एक संस्था बनाई। 1964 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग को केवल 35 साल की उम्र में अमेरिकी समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जन्मे किंग नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। किंग ने धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन का पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। महात्मा गांधी से प्रभावित उनका एक अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन मॉन्टगोमेरी बस बायकॉट के नाम से भी जाना जाता है। किंग ने रंगभेद के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की वकालत की। उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी कुछ जगहों पर हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद किंग और उनके समर्थक डटे रहे और उनका आंदोलन और शक्तिशाली होता गया और अमेरिकी कानूनों में सुधार के रूप में दिखाई दिया। 1973 में आज के दिन थाईलैंड की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकारी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई लोगों की मौत हो गई थी। मारे गए लोगों में से ज्यादातर विद्यार्थी थे जो थाईलैंड की सैन्य प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह हिंसा तब बढ़की जब हजारों विद्यार्थी सैन्य सरकार के शासन के पतन की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए और एक नए संविधान की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी सेना पर पथराव किया और उन पर पेट्रोल बम भी फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने उन पर गोलियां बरसाईं। छात्रों का गुस्सा फील्ड मार्शल थानोम के शासन पर था। इस प्रदर्शन के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और 1994 में आज ही के दिन इजरायली प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन, विदेश मंत्री शिमोन पेरेज और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब नोबेल शांति पुरस्कार 2 से ज्यादा लोगों को दिया गया था। नोबेल समिति ने वक्तव्य जारी कर कहा कि ये पुरस्कार इन फिलिस्तीनी और इजरायली प्रतिनिधियों को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि शांति बहाल करने के लिए इनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। इस पुरस्कार की घोषणा के बाद नोबेल समिति के सदस्यों के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए थे, जिसके बाद एक सदस्य ने समिति से इस्तीफा भी दे दिया था। केआर क्रिस्टियान सेन ने यासिर अराफात के चुने जाने पर आपत्ति जताई और कहा था कि यासिर का व्यक्तित्व हिंसा, चरमपंथ और उत्पीड़न जैसे कुकर्मों से जुड़ा हुआ है।